स्ट्रेट लाइन का स्टैंडर्ड फॉर्म टोटल 6 है, ऑलरेडी 4 बताया जा चुका है, 2 बाकी है, तो वो दोनों की तरफ हम लोग चलेंगे आज। लेकिन उससे पहले जो 4 पढ़ चुके हैं वो आपको याद होना बहुत ज़रूरी है। तो पूछिए अपने से, क्या आपको याद है? अगर नहीं है तो आप इधर ध्यान से देखिए, मैं आपको 1 मिनट में रिवाइज करा देता हूँ, उसके बाद आगे हम लोग चलेंगे, है ना? तो आइए, पहला जो फॉर्म पढ़े थे उसका नाम था पॉइंट स्लोप फॉर्म। यानी कोई एक स्ट्रेट लाइन है, मान लो कि वो किसी स्पेशल पॉइंट x1, y1 से होकर के गुजर रहा है, और ये स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप है वो आपको दिया हुआ है m। ठीक है, माना कि ये स्ट्रेट लाइन किसी पॉइंट p x, y के मोशन से बना है, तब इस स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन होगा वो बहुत ही सिंपल सा होगा। वो क्या होगा? y-y1 इज इक्वल टू m इंटू x-x1। ये था पहला फॉर्म, है ना? दूसरा फॉर्म हम लोग पढ़े थे टू पॉइंट फॉर्म। टू पॉइंट फॉर्म क्या था कि कोई एक स्ट्रेट लाइन है जो किसी पॉइंट ए x1, y1 से होकर के गुजर रहा है, और दूसरा पॉइंट बी x2, y2 से भी होकर के गुजर रहा है। तो इन दोनों पॉइंट से गुजरने वाला जो स्ट्रेट लाइन होगा उसका इक्वेशन कैसे लिखा जाएगा, इसके लिए हम लोग पढ़े थे y-y1 इज इक्वल टू y2-y1 बाई x2-x1 इंटू x-x1। ठीक है, ये x और y क्या है? तो ये उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है जिस पॉइंट के मोशन से ये स्ट्रेट लाइन बना है। तो माना कि एक पॉइंट P है x, y जिसके मोशन से ये स्ट्रेट लाइन बना है, तो वही x और y इस इक्वेशन में है। उसके बाद तीसरा हम लोग पढ़े थे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या होगा कि स्ट्रेट लाइन का स्लोप दिया हुआ रहेगा, और एक्स या वाई इंटरसेप्ट में कोई एक इंटरसेप्ट दिया हुआ रहेगा, तो उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कैसे लिखा जाएगा। जैसे फिगर से यहाँ पर हमारे पास है, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ये है हमारे पास स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन मान लो कि एक्स एक्सिस को पॉइंट ए पर इंटरसेक्ट किया, वाई एक्सिस को पॉइंट बी पर इंटरसेक्ट किया, माना कि वाई इंटरसेप्ट दिया हुआ है। तो y इंटरसेप्ट मान लेते हैं c है, तो ये हो जाएगा पॉइंट b का कोऑर्डिनेट 0, c। और इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप मान लो के है m, तो इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या था? बहुत ही सिंपल सा था, y बराबर mx+c, है ना? याद रखिए। लास्ट फॉर्म बट नॉट द लिस्ट जो हम लोग पढ़े थे वो पढ़े थे इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या था कि हम लोग को x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट दोनों दिया जाएगा और स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए कहा जाएगा। तो कैसे करेंगे? तो हमारे पास मान लो कि है ये एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस, है ना? ये कोई स्ट्रेट लाइन है जो एक्स एक्सिस को पॉइंट ए पर कट किया, वाई एक्सिस को पॉइंट बी पर कट किया। तो पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट मान लो कि स्मॉल ए कोमा 0, पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट 0, b। स्मॉल ए को एक्स इंटरसेप्ट और स्मॉल बी को वाई इंटरसेप्ट कहा जाएगा। तब इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन ऐसे लिखा जाएगा x/a + y/b = 1। क्या आपको याद आ रहा है? इसे इंटरसेप्ट फॉर्म के नाम से जानते हैं। तो ये 4 फॉर्म पढ़ चुके हैं, अब हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं 5वां फॉर्म, और टाइम बचेगा तो 6ठा फॉर्म भी पढ़ेंगे। तो आप क्या कीजिए, पहले इसको रिमाइंड कर लीजिए और उसके बाद आगे ध्यान से देखिए। जो अगला फॉर्म है वो बहुत ही सिंपल सा फॉर्म है, उसका नाम है नॉर्मल फॉर्म, है ना? नाम से ही नॉर्मल है, क्या डिफिकल्ट होगा? वो देखिए, हेडिंग लिखिए नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म नाम से ही क्लियर है कि कुछ नॉर्मल की बात कर रहा है। देखो, मैथ्स में नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर होता है, आम बोलचाल में नॉर्मल का मतलब होता है आम बात, है ना? तो यहाँ मैथ्स पढ़ रहे हैं तो परपेंडिकुलर मीनिंग होना चाहिए। ये है हमारे पास एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ठीक है? मान लेते हैं कोई एक स्ट्रेट लाइन ऐसे करके जा रहा है। इस स्ट्रेट लाइन पर जब हम ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो मान लेते हैं ये है ओरिजिन, ओरिजिन से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर हो गया एम। ये जो परपेंडिकुलर ओ एम है इसकी लंबाई आपको दी गई है स्मॉल पी, ठीक है? और इस परपेंडिकुलर का जो इंक्लाइनेशन है वो है अल्फा। ये दोनों इंफॉर्मेशन आपको सिर्फ दिया गया है। आपको इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखना है।
सोचो जरा कैसे निकालेंगे। तो देखो मैं जो तरीका बताने जा रहा हूँ, हो सकता है वो किसी बुक में ना मिले, क्योंकि मैं बुक से कॉपी करके छापना पसंद नहीं करता हूँ। कई बार अपना दिमाग लगा करके नए तरीके खोज करके लिखने की कोशिश करता हूँ, है ना। अगर वो सिंपल हो तो वही बेटर है, जरूरी थोड़ी है कि बुक का ही कॉपी कर लो, है ना। तो हम बुक का कॉपी नहीं कर रहे हैं, हम अपना मेथड बताएंगे, आप ध्यान से देखिए। ये हमारे पास कोई एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया स्मॉल पी, उसकी लंबाई है, और उस परपेंडिकुलर का जो इंक्लाइनेशन है वो है अल्फा। तो हम लोग को इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए क्या करना चाहिए, लगाओ दिमाग। मैं आपको आइडिया देता हूँ, अगर इस स्ट्रेट लाइन का आपको स्लोप पता चल जाए और इस स्ट्रेट लाइन का ये पॉइंट पता चल जाए, तो हम लोग स्लोप पॉइंट फॉर्म का यूज करके आराम से इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन तो लिख ही सकते हैं, है ना। तो सोचो अगर हम इस पॉइंट एम को पता कर लें और ये एंगल को पता कर लें, तो इस एंगल को पता करने से स्लोप पता चल जाएगा उस स्ट्रेट लाइन का, और इस पॉइंट एम को पता कर लेंगे तो एक भी पॉइंट भी पता चल जाएगा, तब तो इस स्ट्रेट लाइन का एक क्वेश्चन आराम से लिख सकते हैं, है कि नहीं। तो आइए काम करते हैं, पहले हम पॉइंट एम पर फोकस करते हैं। पॉइंट एम डिटरमाइन करने के लिए हम पहले यहाँ एम से यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, और यहाँ पर फोर्थ ऑफ द परपेंडिकुलर को एन नाम रख देते हैं, ठीक है। अब देखो एक ट्रायंगल मिलेगा आपको, एम एन ओ, कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। उस ट्रायंगल में बात करेंगे, अब इस पूरे सिचुएशन को हम क्या कर रहे हैं, पहले क्वेश्चन के फॉर्म में लिख देते हैं, उसके बाद हम लोग आते हैं फिगर में, है ना। तो देखो फाइन फाइन द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन अपॉन विच द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन इज स्मॉल पी विच मैक्स एन एंगल अल्फा विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है। अब इस ट्रायंगल में आ जाइए, एम एन ओ ट्रायंगल में सॉल्यूशन। इन द फिगर इन द फिगर फ्रॉम ट्रायंगल एम एन ओ वी गेट, देखो अगर आप कॉस अल्फा निकालेंगे क्या निकलेगा, कॉस अल्फा कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस। तो बेस कौन होगा यहाँ पर, ओ एन, और हाइपोटेनस कौन हो जाएगा, ओ एम, है ना। तो बेस हो गया आपका ओ एन और हाइपोटेनस हो गया ओ एम। तो यहां से ओ एन कितना निकलेगा, ओ एन निकलेगा ओ एम कॉस अल्फा, और ओ एम कितना है, ओ एम दिया हुआ है आपको स्मॉल पी, तो स्मॉल पी कॉस अल्फा हो गया, सही है ना। आपको ओ एन मिल गया। अब अगर साइन अल्फा निकालेंगे तो साइन अल्फा कितना निकलेगा, साइन थीटा बराबर क्या होता है जी, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर हो जाएगा एम एन, इस अल्फा एंगल के हिसाब से एम एन परपेंडिकुलर, और ये ओ एम हो गया हाइपोटेनियस। तो ये तो एम एन बाई ओ एम, यहां से एम एन कितना निकला, ओ एम साइन अल्फा, ओ एम कितना है स्मॉल पी, तो ये हो जाएगा साइन अल्फा। अब ध्यान से देखो, आपको ओ एन पता चल गया, एम एन पता चल गया, तो ओ एम और एम एन अगर पता चल गया तो इसका मतलब पॉइंट एम का एक्स और वाई कोऑर्डिनेट पता चल गया। क्यों, क्योंकि पॉइंट एम का एक्स कोऑर्डिनेट है ओ एन और वाई कोऑर्डिनेट है एम एन, दोनों हम लोगों ने निकाल लिया है ऑलरेडी। तो आइए लिखते हैं, तो ये हो जाएगा पी कॉस अल्फा एक्स कोऑर्डिनेट, और वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा पी साइन अल्फा, ठीक है ना।
तो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट हम लोग को पता चल गया दोनों पॉइंट का, सॉरी इस पॉइंट का। अब क्या करना है, अब इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप पता करना है। स्लोप कैसे पता करेंगे, तो ध्यान से देखिए, ये एंगल है अल्फा और ये एंगल है 90, तो ये एंगल कितना होना चाहिए बताओ, ये एंगल कितना होना चाहिए, 90 माइनस अल्फा, क्यों ठीक है, टोटल कितना होता है 180 डिग्री, तो ये तो अकेला 90 हो गया, तो ये दोनों मिलकर के 90 होना चाहिए, तो ये एंगल अल्फा है तो ये कितना होगा 90 माइनस अल्फा। अब ये अगर 90 माइनस अल्फा हुआ तो ये वाला जो एंगल है ये वाला ये कितना होगा, इसको हम थीटा मान लेते हैं है ना, तो अब जरा सोचो वो एंगल कितना होगा। तो नाउ अगर हम बात करें ये थीटा प्लस 90 माइनस अल्फा, यानी थीटा प्लस 90 माइनस अल्फा, ये टोटल कितना होना चाहिए 180 डिग्री। क्यों 180 डिग्री होगा, क्योंकि किसी एक स्ट्रेट लाइन के एक तरफ जितना भी एंगल हो सारा एंगल का सम कितना होता है 180, तो ये एंगल और ये एंगल मिला करके कितना हो जाएगा 180, तो 180 कर दिया। यहां से थीटा पता चला 180 माइनस 90 प्लस अल्फा, तो ये देखो ये हो जाएगा आपका 90 प्लस अल्फा है ना। तो इस स्ट्रेट लाइन का जिसका इक्वेशन लिखना है उसका इंक्लाइनेशन पता चल गया थीटा। अब इंक्लाइनेशन पता चल गया तो उसका स्लोप पता कर सकते हैं, कितना स्लोप कितना होता है 10 थीटा, तो थीटा की जगह पर यहाँ कितना है 90 प्लस अल्फा है ना, 10 90 प्लस अल्फा। अब 10 90 प्लस अल्फा बराबर होता है माइनस कॉट अल्फा, अगर आप ट्रिगोनोमेट्री पढ़े होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा, समझ में आया, तो इस बात को आप याद रखिए। उसके बाद आगे चलते हैं, पहले आप जो है ना इसको लिख लीजिए, हम इसको मिटा देते हैं क्वेश्चन को। देखिए आपको अगर एक स्ट्रेट लाइन दिया गया है और उस स्ट्रेट लाइन का एक पॉइंट दे दिया एक्स वन कोमा वाई वन और इसका स्लोप एम दे दिया, तब तो इस स्ट्रेट लाइन का आप इक्वेशन लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, तो वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन है ना। उसी तरह से इस स्ट्रेट लाइन का एक पॉइंट पता है एम और उसका स्लोप भी पता चल गया माइनस कॉट अल्फा, तो हम लोग इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आराम से इसका यूज करके लिख सकते हैं। तो आइए यूज करते हैं। तो नाउ फ्रॉम पॉइंट स्लोप फॉर्म वी नो दैट, पॉइंट स्लोप फॉर्म से हम लोग क्या जानते हैं, वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो आप क्या करो, इसको मान लो थोड़ी देर के लिए एक्स वन कोमा वाई वन पॉइंट एम के कोऑर्डिनेट को और इसके स्लोप को, तो एम जो कि हम लोग यहाँ निकाल ही चुके हैं, तो आइए वाई माइनस वाई वन, वाई वन की वैल्यू पुट करो, ये हो जाएगा पी कॉस अल्फा, एम इंटू एम कितना है माइनस कॉट अल्फा, यहाँ पर नीचे निकाले थे, और ये हो जाएगा एक्स माइनस एक्स वन, ये यहाँ पर कॉस नहीं ये साइन है, यहाँ होगा कॉस है ना, तो पी कॉस अल्फा, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल है। अब इसको क्या करो, सिंपलीफाई करो ताकि खूबसूरत लगे देखने में, तो ये हो जाएगा वाई माइनस पी साइन अल्फा इज इक्वल टू माइनस कॉट अल्फा है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस कॉस अल्फा बाई साइन अल्फा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कॉट थीटा बराबर साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस पी कॉस अल्फा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा है ना, तो ये हो जाएगा साइन अल्फा इंटू वाई माइनस पी साइन अल्फा इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स माइनस पी कॉस अल्फा है ना, ये अल्फा अल्फा नहीं बोलना है। चलो अब क्या करेंगे, ब्रैकेट हटाएंगे, तो ब्रैकेट हटाएंगे तो ये हो जाएगा वाई साइन अल्फा माइनस पी साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा, और ये माइनस कॉस माइनस एक्स इंटू कॉस अल्फा माइनस इंटू माइनस बराबर हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा पी कॉस स्क्वायर
अल्फा, ठीक है। अब क्या करो, एक्स वाले को इधर ला, तो एक्स कॉस अल्फा प्लस पी, सॉरी वाई साइन अल्फा इक्वल टू, अब देखो इधर आपके पास पी कॉस और स्क्वायर अल्फा पहले से है, और इधर से साइन जाएगा तो साइन पी साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, है ना, पी साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। अब देखो इधर क्या हो जाएगा, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू, पी दोनों जगह से कॉमन ले लो, तो पी कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, कुछ दिख रहा है क्या, क्या दिख रहा है, ये हो जाएगा एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। देखो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, वन, क्लास 10th में जो ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी पढ़ते हैं तो आपको पता होगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर वन, तो यहाँ वन हो जाएगा पी के साथ मल्टीप्लाई, तो पी ही हो जाएगा। तो ये जो आपको मिला इसी को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल फॉर्म, क्या बोलते हैं, नॉर्मल फॉर्म। तो स्ट्रेट लाइन का ये हो गया नॉर्मल फॉर्म, आप इस बात को याद रखें। क्या समझ में आ गया, सिंपल था ना। आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, तो आप इसको जल्दी जल्दी से छाप लो। चलिए क्वेश्चन लिखिए, भकलोल सा भकलोल क्वेश्चन पहले लिखेंगे फिर उसके बाद अच्छा क्वेश्चन लिखने की कोशिश करेंगे। आइए, ये क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, अपॉन विच द अपॉन विच द लेंथ लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन इज स्मॉल पी एंड विच मैक्स एन एंगल सिक्सटी डिग्री, एंगल ऑफ 60 डिग्री ने 45 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ऑप्शन चाहिए, ले लो। ऑप्शन ए है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू √2, ऑप्शन बी है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2√2, यह पी जो है ना यहां से हटा दो, इसकी जगह पर कर दो 4, ठीक है। ऑप्शन सी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4√2, ऑप्शन डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4√2, ठीक है। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन अपॉन विच द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन इज 4, ठीक है। अब उसके बाद एंड विच मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, है ना। ये एक स्ट्रेट लाइन है जिस पर अगर ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए तो उस परपेंडिकुलर की लंबाई 4 यूनिट है, और वो स्ट्रेट लाइन पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया वो कितना एंगल बना रहा है, 45 डिग्री एंगल बना रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ। तब उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कैसे लिखा जाएगा बताओ, सिंपल सा फॉर्मूला आपके पास है, ये है हमारे पास मान लो कि एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये है आपका स्ट्रेट लाइन, इस स्ट्रेट लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ओरिजिन से, इस परपेंडिकुलर की लंबाई है 4 यूनिट,
और ये कितना एंगल बना रहा है, 45 डिग्री का एंगल बना रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ। तब इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बताइए। कैसे बताएंगे, तो आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला है ना, तो आपको क्या क्या दिया हुआ है पहले वो लिख लो, है ना। गिवेन दैट क्या क्या दिया हुआ है, पहले तो आपको स्मॉल पी दिया हुआ है कितना, 4 यूनिट, है ना, यही तो स्मॉल पी है, ये परपेंडिकुलर की लंबाई। और आपको इंक्लाइनेशन दिया हुआ है कितना, अल्फा 45 डिग्री, है ना। तो आप क्या करते हैं, हम लोग एक चीज जानते हैं ना, वी नो दैट, बताओ अभी अभी क्या फॉर्मूला बताया था, अभी अभी फॉर्मूला बताया कि उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होगा, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी, है ना। क्या जानते हैं, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू स्मॉल पी, इजेंट इट, ओके। एक्स कॉस अल्फा, एक्स कॉस 45 डिग्री हो जाएगा तब तो, प्लस वाई साइन 45 डिग्री और इज इक्वल टू स्मॉल पी, स्मॉल पी कितना दिया हुआ है, 4। तो लिखो यहां से आपको कितना मिलेगा, ये मिलेगा एक्स, ये कितना हो जाएगा 1/√2 प्लस वाई साइन 45 डिग्री 1/√2 इज इक्वल टू 4, है ना। अब देखो 1/√2 कॉमन ले लो, तो 1/√2 अगर कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4, है ना, तो हो जाएगा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4√2, ये आंसर है, ठीक है। कौन सा है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4√2। मैं 1 मिनट में आंसर बता सकता हूं, लेकिन मैं 1 मिनट में बता नहीं रहा हूं, मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूं ताकि आपको समझ में आए, क्योंकि हम लोग अभी लर्निंग प्रोसेस में है, तो आप टाइम का टेंशन मत लीजिए। कई लोग सोचते हैं क्या सर तो इतना टाइम यहाँ लगेगा तो एग्जाम में कैसे बनेगा, एग्जाम में तो बहुत कम टाइम दिया जाता है ना, 2 मिनट, 2 मिनट से भी कम, तो ऐसा नहीं सोचना है। आप अभी लर्निंग प्रोसेस में है तो 2 घंटा टाइम लगाइए एक क्वेश्चन में, कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर अभी 2 घंटा लगाएंगे तो ही एग्जाम में 2 मिनट के अंदर में बनेगा, समझ में आया कि नहीं है। चलो इस बात को आप छापिए जल्दी से। चलिए एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, अभी थोड़ा सा अभी एक अच्छा सा क्वेश्चन लिखते हैं, आप ध्यान से देखिए, ठीक है। वाह, आइए लिखिए। तो लैंग्वेज थोड़ा लंबा है क्वेश्चन का, इसलिए आप थोड़ा जल्दी जल्दी लिखिएगा, है ना, मैं क्योंकि जल्दी जल्दी लिखने वाला हूँ भाई। चलो देखो, क्वेश्चन है कि बोला गया स्ट्रेट लाइन एल एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट, और स्ट्रेट लाइन एल एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन, मैक्स मैक्स पॉजिटिव इंटरसेप्ट्स, मैक्स पॉजिटिव इंटरसेप्ट्स, ठीक है, इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सेस, एंड द परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर लिखा गया, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन, टू दिस लाइन मैक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द लाइन, विद द लाइन
एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो, देन एन इक्वेशन ऑफ द लाइन ऑफ द लाइन एल है ना इज, ऑप्शन दिया हुआ है बहुत खूबसूरत वाला, ऑप्शन ये बोला एक्स प्लस रूट थ्री इंटू वाई इज इक्वल टू एट, ठीक है पहला ऑप्शन है ये। दूसरा ऑप्शन है इससे भी खूबसूरत और वो है रूट थ्री प्लस वन इंटू एक्स है ना, उसके बाद प्लस रूट थ्री माइनस वन इंटू वाई इज इक्वल टू एट रूट टू, एट रूट टू, ठीक है ये ऑप्शन बी है। ऑप्शन सी की तरफ चलते हैं, ऑप्शन सी कह रहा है कि रूट थ्री एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एट। ऑप्शन जो डी है वो और खूबसूरत है और वो है रूट थ्री माइनस वन इंटू एक्स प्लस रूट थ्री प्लस वन इंटू वाई, ठीक है और इज इक्वल टू एट रूट टू। ये क्वेश्चन जेई मेन 2019 में पूछा है ना, तो आप इस क्वेश्चन को दिमाग लगाइए, जेई 2019। चलिए देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, आइए पहले दिमाग लगाते हैं। तो पहले क्वेश्चन का समझना बहुत जरूरी है, कई लोग क्वेश्चन पढ़ते नहीं, आधा अधूरा पढ़ करके सॉल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं। तो मैथ्स बनाने के लिए पहले आप क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझिए और जब क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ जाएंगे तब उसके बाद आपको आराम से सॉल्यूशन दिख जाएगा। तो ये क्वेश्चन का मीनिंग क्या है समझते हैं। बोला कि स्ट्रेट लाइन एल, एक कोई स्ट्रेट लाइन है एल, ठीक है समझ में आ गया। उसके बाद एट अ डिस्टेंस ऑफ फोर यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन मैक्स पॉजिटिव इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सेस। पहले क्वेश्चन को समझ जाते हैं, फिगर से समझते हैं ना, क्या बोल रहा है कि कोई एक स्ट्रेट लाइन है और वो स्ट्रेट लाइन क्या है उसका नाम दिया एल, ठीक है और वो ओरिजिन से कितनी दूरी पर है, फोर यूनिट की दूरी पर है। वो स्ट्रेट लाइन के बारे में ये खास बात है कि वो स्ट्रेट लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब पॉजिटिव इंटरसेप्ट बना रहा है। तो आइए फिगराइज करते हैं सिचुएशन को। ये है मान लो कि वाई एक्सिस आपका और ये है एक्स एक्सिस, ठीक है एक्स वाई, ठीक है। अब ये स्ट्रेट लाइन मान लो के है हमारे पास, ये स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से कितनी दूरी पर है, फोर यूनिट की दूरी पर। तो ये है आपका परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये जो परपेंडिकुलर है इस परपेंडिकुलर की लंबाई हम लोग को दिया गया है कितना, फोर यूनिट, फोर यूनिट दिया गया है। तो O से लेकर M मान लो के है, ये पॉइंट A, ये पॉइंट B, O से लेकर M ये जो परपेंडिकुलर है वो फोर यूनिट दिया हुआ है, ठीक है। अब एक बात बोला, फिर आगे देखो, उसके बाद आगे बोल रहा है एंड द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू दिस लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। ये जो परपेंडिकुलर है ये एक स्ट्रेट लाइन है x प्लस वाई, x प्लस वाई को एक स्ट्रेट लाइन है बराबर जीरो, इसको वन मान लो। इसके साथ ये जो परपेंडिकुलर है ये कितना डिग्री का एंगल बनाता है, बनाता है ये 60 डिग्री का एंगल। ये स्ट्रेट लाइन का अगर आप ग्राफ खींचेंगे तो कैसा ग्राफ होगा, ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ ऐसा करके होगा है ना, ये है x प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। ग्राफ तो क्लास 10 में खींचना सीखे ही होंगे, ऐसे करके ग्राफ दिखेगा, ठीक है आगे। अब ये जो परपेंडिकुलर है इस स्ट्रेट लाइन x प्लस वाई के साथ कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री का, समझ में आया। तो यहां से लेकर यहां तक टोटल एंगल है आपका 60 डिग्री। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स, ओके अगर आप इतना समझ गए तो अब आप बताइए
कि ये जो स्ट्रेट लाइन है एल, इसका नाम दिया गया, इसका आपको इक्वेशन लिखना है। पूरा सिचुएशन समझ में आ गया? बहुत ही सिंपल है, मैं एक बार फिर से क्वेश्चन को समझा देता हूँ। कोई एक स्ट्रेट लाइन है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो, उसका ये ग्राफ होगा, उसको रहने दो। फिर एक कोई स्ट्रेट लाइन एल है जिस पर अगर हम ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये परपेंडिकुलर की लंबाई 4 यूनिट है, और ये जो परपेंडिकुलर है पहले से दिया हुआ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो इस लाइन के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाता है, तो आपको इस लाइन का इक्वेशन लिखना है एल का। ठीक है, सोचो क्या क्या किया जाए। बहुत ही सिंपल है, लगाओ दिमाग। मान लो कि अगर ये परपेंडिकुलर की लंबाई तो हमको पता है 4, अगर उसका हम लोग को स्लोप पता चल जाए, यानी इस परपेंडिकुलर का अगर हमको इंक्लाइनेशन पता चल जाए, तो हम लोग आराम से इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं, है ना, नॉर्मल फॉर्म से। तो हम लोग को क्या करना चाहिए, अभी पहले इस नॉर्मल का यानी ओ एम का ये जो इंक्लाइनेशन है अल्फा, वो पता करना चाहिए। वो कैसे पता होगा, तो आइए दिमाग लगाते हैं। तो ये जो स्ट्रेट लाइन 1 दिया हुआ है उसका पहले हम लोग स्लोप निकालते हैं। उससे क्या फायदा होगा, उससे ये फायदा होगा ये जो स्ट्रेट लाइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो है वो कितना एंगल बना रहा है टोटल पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ, वो पता चल जाएगा। अब जब वो पता चल जाएगा तो हम ये अल्फा आराम से निकाल सकते हैं, है ना। तो आ जाओ पता करो, तो इसका स्लोप पता करो। तो इसको हम लोग देखो, हम लोग जानते हैं वाई बराबर एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में अगर कोई एक स्ट्रेट लाइन है तो एक्स का कोफिशियंट जो है क्या होगा, स्लोप होगा। तो इस लाइन को हम लोग इस फॉर्म में बदल देते हैं, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स, है ना। जब आप y बराबर कुछ लिखते हो तो x का कोफिशियंट क्या हो जाता है, स्लोप हो जाता है। तो इसका मतलब इसका जो स्लोप है, स्लोप कितना हो जाएगा, -1, है ना, x का कोफिशियंट। स्लोप बराबर कितना होता है बता, स्लोप का मतलब होता है टेन थीटा, तो इसका मतलब टेन थीटा बराबर है -1, तो इसका मतलब थीटा कितना होगा, 135 डिग्री। 10 135 डिग्री बराबर कितना होता है, -1। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो टोटल एंगल है यानी ये जो स्ट्रेट लाइन है इसका इंक्लाइनेशन कितना है, 135 डिग्री। इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो टोटल एंगल है यानी पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ ये कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, 135, है ना। इसका मतलब ये एंगल है 60 और ये एंगल है अल्फा, तो अल्फा प्लस 60 बराबर कितना होना चाहिए, 135, है ना। तो इसका मतलब यह हुआ, ना इसका मतलब यह हुआ कि अल्फा प्लस 60 बराबर कितना होगा, 135। तो यहां से अल्फा कितना निकलेगा, 135 में से आप घटा दो 60, 135 में से 60 घटाएंगे तो कितना बचेगा, बचेगा 75 डिग्री। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स। इसका मतलब ये जो नॉर्मल है ये कितना एंगल बनाएगा, एक्चुअली में 75 डिग्री, है ना, किसके साथ, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ। तो आपको इस स्ट्रेट लाइन का जो नॉर्मल है ओरिजिन से वो उसकी लंबाई पता चल गया और उसका इंक्लाइनेशन पता चल गया, तो नॉर्मल फॉर्म से आप उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन तो लिख ही सकते हैं। तो आओ लिखो। तो नाउ ये क्वेश्चन मैं मिटा दूं, क्वेश्चन मिटा देता हूं क्योंकि मुझे ऊपर लिखना है। तो आ जाइए, बहुत ही सिंपल है ना। इक्वेशन ऑफ द लाइन एल इज क्या होगा, हम लोग जानते हैं एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू स्मॉल पी, यही होगा ना। तो आप क्या करो, रखो यहां पर वैल्यू एक्स कॉस अल्फा, अल्फा कितना है 75 डिग्री, वाई साइन 75 डिग्री इज इक्वल टू स्मॉल पी, ये कितना है 4 है। क्या समझ में आ गया, इतना इतना समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल है। अब ये 75 डिग्री साइन 75 कॉस 75 डिग्री की वैल्यू कैसे लिखी जाएगी,
ये आप क्लास 10th में नहीं पढ़े होंगे, है ना। तो क्लास 11th में आप कंपाउंड एंगल फॉर्मूला पढ़ते हैं ट्रिगोनोमेट्री में, उसी का हम लोग यूज करेंगे। मैं इधर मिटा देता हूँ ना, क्योंकि मुझे इधर तो कुछ लिख करके बताना है। क्लास 10th में हम लोग फॉर्मूला नहीं पढ़ते हैं साइन ऑफ ए प्लस बी और नहीं कॉस ऑफ ए प्लस बी पढ़ते हैं, लेकिन ये हम लोग क्लास 11th के ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ते हैं। तो आपको क्या इसका फॉर्मूला याद है, क्या फॉर्मूला होता है? ये होता है साइन ए प्लस बी होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, है ना। कॉस ऑफ ए प्लस बी इसका फॉर्मूला होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, है ना। इन्हीं दोनों फॉर्मूला का यूज करके कॉस 75 डिग्री और साइन 75 डिग्री की वैल्यू हम लोग लिखेंगे। तो आपको मान लो कि अगर कॉस 75 डिग्री की वैल्यू लिखना हो या साइन 75 डिग्री की वैल्यू, तो कैसे लिखेंगे? कॉस 75 मान लो कि लिखना हो, 75 को आप क्या बोल सकते हैं, 30 प्लस 45, है ना, 30 प्लस 45, समझ में आ गया। तो ए बराबर 30 रख दो, बी बराबर कितना रख दो, 45 रख दो, ये तो टोटल कितना हो जाएगा 75। तो यहाँ हो जाएगा कॉस ए का मतलब 30 डिग्री और बी का मतलब 45 डिग्री माइनस साइन 30 इंटू साइन 45, है ना। अब वैल्यू रखो, कॉस 35 को कॉस 30 डिग्री कितना होता है जी, रूट 3/2 और ये 1/√2 माइनस साइन 30 डिग्री 1/2 साइन 45 1/√2, है ना। तो यहां से आपको बेसिकली क्या मिला, रूट 3/√2 माइनस 1/√2 मिला कि नहीं। तो कॉस 75 डिग्री 30 प्लस 45, 75 डिग्री की वैल्यू कितनी मिली, रूट 3/√2 माइनस 1/√2, है ना। तो उसको जाकर के वहां पर रखो, हो जाएगा एक्स कॉस ये कितना, रूट 3/√2 माइनस, या माइनस है ना, माइनस 1/√2 हो गया प्लस वाई तो है यहाँ पर। अब साइन 75 डिग्री की वैल्यू लिखो, साइन 75 डिग्री की वैल्यू कैसे लिखोगे, तो इसी का यूज करोगे साइन ए प्लस बी। तो साइन ए रख दो आप 30 और बी रख दो 45, तो ये हो जाएगा फिर 75 डिग्री। तो ये हो जाएगा साइन ए का मतलब 30 डिग्री, कॉस बी का मतलब 45 डिग्री प्लस कॉस ए यानी कॉस 30 डिग्री और साइन बी का मतलब साइन 45 डिग्री, सही है, समझ में आएगी नहीं। तब आप इसकी वैल्यू रखो, इसकी वैल्यू रखने जाओगे तो ये कितना, कितनी वैल्यू मिलेगी आपको, ये साइन 30 डिग्री 1/2 कॉस 45 डिग्री 1/√2 प्लस कॉस 30 डिग्री रूट 3/2 साइन 45 डिग्री 1/√2, है ना। तो ये सब वैल्यू को जाकर वहां पर रखो, तो ये कितना हो जाएगा 1/√2 प्लस रूट 3/√2 इज इक्वल टू 4। क्या समझ में आया, इतना समझ में आ गया होगा, है ना। तो आप क्या करो, इसको ऐसे और सिंपलीफाई करो। देखो x, आप क्या करो ना, एलसीएम ले लो, x हो जाएगा ये यहाँ 2√2 एलसीएम, तो ये जाएगा रूट 3 माइनस 1 प्लस वाई, यहाँ से 2√2 कॉमन ले लो तो यहाँ जाएगा 1 प्लस रूट 3, ये रूट 3 था, है ना, और इज इक्वल टू 4। आप इस 2√2 को उधर भेज दो, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, x इंटू रूट 3 माइनस 1 प्लस y इंटू रूट 3 प्लस 1 और 2√2 को उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा आपका, मतलब आप ये समझो कि 2√2 से हमने क्या किया, दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, तो ये 2√2 यहां से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर नीचे यहां पर भी कैंसिल हो जाएगा, ये 2√2 इधर मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 8√2 हो जाएगा, है ना। तो यहां से आपको ये आंसर मिला,
कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन डी। समझ में आया कि नहीं आया? बहुत ही सिंपल सा इक्वेशन था, तो आप इस बात को याद रखिए। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, नहीं ये वाला नहीं है जी, ये वाला है रूट थ्री प्लस ए, ऑप्शन बी, रूट थ्री प्लस वन इंटू एक्स, रूट थ्री माइनस वन इंटू वाई। ये वाला तो है ना? हाँ ये वाला याद हो गया, तो आप इसको याद रखिए, ये बी नहीं है, ऑप्शन क्या है? डी है। तो इस तरह से जेईई मेन का क्वेश्चन था, ये 2019 में पूछा हुआ, तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, तो आप इसको याद रखिए। अगला जो हम लोग फॉर्म भरेंगे उसका नाम है, क्या नाम है? बहुत ही सिंपल सा उसका नाम है, हम लोग पढ़ेंगे पैरामेट्रिक फॉर्म। अब पैरामेट्रिक फॉर्म हम लोग अगला लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा होने वाला है अगर हम उसको बताएंगे तो, इसलिए हम आज नहीं बताएंगे, अगला दिन बताएंगे। तो आप इस बात को लिख लीजिए कॉपी में नोट करके अगला दिन का, तब तक इंतजार कीजिए, पैरामेट्रिक फॉर्म हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।